हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट डू द लंगूस एंड द स्क्वायरल्स दैट लिव नियर कावेरी रिवर डू विद द फ्रूट दे ईट? व्हाई? और व्हाई डू द लंगूस एंड द स्क्वायरल्स दैट लिव नियर कावेरी रिवर ड्रॉ पार्शियली ईटन फ्रूट इनटू द वाटर? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो लंगूस और स्क्वायरल कावेरी नदी के पास रहते हैं वो फ्रूट्स के साथ क्या करते हैं और क्यों, या फिर लंगूस और स्क्वायरल्स मतलब गिलहरियाँ जो कावेरी रिवर के पास रहती हैं वो आधा अधूरा खाया हुआ फ्रूट पानी में क्यों फेंक देते हैं? हियर द की कॉन्सेप्ट इज द मिस्चीवियस लंगूस एंड स्क्वायरल्स, मतलब कि शैतान लंगूर और गिलहरियाँ। द लंगूस एंड द स्क्वायरल्स लिविंग नियर द कावेरी रिवर ड्रॉप देयर पार्शियली ईटन फ्रूट इन टू द रिवर। दे डू सो आउट ऑफ मिस्चीफ एंड एंजॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट दैट इज क्रिएटेड व्हेन द हाफ ईटन फ्रूट्स आर ड्रॉप्ड इन द रिवर वाटर। तो बच्चों, लंगूस और गिलहरियाँ जो कावेरी नदी के पास रहती हैं वो अपना आधा अधूरा खाया हुआ फल पानी में इसलिए डाल देती हैं क्योंकि वो एकदम शैतानी करने के मूड में होते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है वो स्प्लैश और रिपल इफेक्ट देखने में। स्प्लैश मतलब कि कुछ चीज़ डालना और पानी उछल के आपके ऊपर आता है, और रिपल इफेक्ट में क्या होता है कि आप तब भी कोई चीज़ डालते हो पानी में तो वो गोल गोल करके लहरें क्रिएट हो जाती हैं। वो ये लंगूर और स्क्वायरल बहुत इंजॉय करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।